बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो भी शीरी सुखनी है मेरे मक्की मदनी, तेरे होंठों की छनी है मेरी मक्की मदनी, और नस्ल दर नस्ल तेरी ज़ात के मकरूज़ हैं हम, नस्ल दर नस्ल तेरी ज़ात के मकरूज़ हैं हम। तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। अस्सलाम वालेकुम अलैका या सीदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सीदी या हबीबल्लाह। सामीनो नाज़रीन गिरामी, तकबीर टीवी के बर्मिंघम स्टूडियो से प्रोग्राम आप देख रहे हैं हफ्तावार शाम आरिफा, और मैं हूँ आपका मेज़बान मकसूद अली शाह। सलाम कबूल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हर बुध के रोज़ इन्हीं औकात में ये प्रोग्राम आपकी समातों और आपकी बिसारतों की नज़र किया जाता है, और नशर मुकर्रर के तौर पर आप इस प्रोग्राम को हर इतवार के रोज़ सुबह के औकात में 10 बजे देखते हैं। बुनियादी मकसद यही है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यादों की नस्बतें कायम हों, और इस बज़्म के ज़रिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम हाज़िरी का शरफ़ पाते रहें। यहाँ बरतानिया और यूरोप में और फिर नेट के ज़रिए पूरी दुनिया में कोशिश की जाती है कि इस छोटे से फोरम से अपने तई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदत और आपकी सनाखानी हमारे बच्चों को और हमारी आने वाली नस्ल की रूह में उतार दी जाए, ताकि वो जहाँ भी रहें, जैसी भी रहें, जैसी ज़िंदगी जीना चाहें, लेकिन हमेशा वो नात की छत्र छाँव में और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यादों की नस्बतों के दायरों के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी बिताएं। हम अमूमन शुरू में ये पैगाम आपको देते हैं कि अगर इस मकसद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहते हुए हम कामयाब हो गए, तकबीर टीवी की इस कोशिश से आप पेरेंट्स कामयाब हो गए, तो फिर हम इंशाल्लाह यकीन रख सकते हैं कि वो जो खदशा है और वो जो अंदेशा है कि हमारी आने वाली नस्ल क्या करेगी, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं करेगी, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतों के गुण गाएगी, नात की छत्र छाँव में अपनी इंशाल्लाह ज़िंदगी बिताएगी। तो ये बुनियादी मकसद है जिसको लेकर ये प्रोग्राम पिछले 3-4 साल से इस सफ़र को जारी रखे हुए। लंदन से हमारे भाई हाजी मोहम्मद बशीर साहब और हमारे बहन नुसरत बशीर साहब इस प्रोग्राम के लिए तआवुन पेश करते हैं। अल्लाह पाक उनकी इस खिदमत को कबूल और मंजूर फरमाए, और नात के साथ जुड़ी हुई उनकी और उनकी फैमिली की अकीदतों को अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में शर्फ़ बारयाबी से बरहमद फरमाए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमेशा की तरह। आज भी स्टूडियो में हमारी मेहमान हमारी बेटी हैं। आप मेहमान हैं या मेज़बान हैं जी? आप तो को-होस्ट हैं। को-होस्ट जी। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम शाह साहब, ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आमना से ही हम तिलावत कलाम मुकद्दस से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर नात के सफ़र को आगे लेकर चलेंगे। सिर्फ इतना बताऊँ शुरू में कि प्रोग्राम बड़ा ख़ास है, और किस नस्बत से ख़ास है ये मैं आपको इंशाल्लाह पहली नात के बाद बताऊँगा। तिलावत होगी, नात होगी, नात शरीफ होगी, और उसके बाद आप बताऊंगा कि आज का प्रोग्राम हमने किस नस्बत से लेकर किस साथ लेकर इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलना है। तो आमना जरा तिलावत कलाम मुकद्दस फरमाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्यौमा नख्तिमु अला وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون و
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم آمین 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 ماشاءاللہ الحمدللہ آج سورہ یاسین جو ہم نے چند ہفتے پہلے شروع کی تھی تو آج ختم ہوئی ہمیں آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہمیں آپ کو علم ہے کہ ایک یہ شروع کیا سلسلہ کہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے گی اور پھر مرحومین جتنے ہیں ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچایا جائے گا تو آج چونکہ سورہ یاسین شریف ختم ہوئی ہے کوشش کریں گے کہ پروگرام کے بالکل آخری حصے میں چند منٹ کے لیے دعا ہو جائے اور اس کا ثواب ہم مرحومین تک پہنچائیں انشاءاللہ تو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلی نعت شریف ہم یہاں سے سن لیں اسٹوڈیو سے جی آپ سنائیے اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى لوک جانے لوک جانے ویکھ کے صورت تیری سونے سارے لوک جانے لوک جانے لوک جانے ویکھ کے صورت تیری سونے سارے لوک جانے اے جتنی بھی کائنات تیرے قدماں دی خیرات اے جتنی بھی کائنات تیرے قدماں دی خیرات چن تارے کر دے یار قدماں تے چک جانے چن تارے کر دے یار نظارے قدماں تے چک جانے لوک جانے لوک جانے
بیک صورت تیری سن سارے لوگ جان دے تو مالک دا لوگ جانے ویکھ کے صورت تیری سن سارے لوگ جانے ویکھ کے صورت تیری سن سارے لوگ جانے تیرے دم وچ چین قرار تیرے صدقے نال بہار تیرے دم وچ چین قرار تیرے صدقے نال بہار جناتے چھا تیری او پھل سارے سکھ جانے لوگ جانے ویکھ کے صورت تیری سونے سارے لوگ جانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہی نا تجھے پسند ہے نا آپ کا فیورٹ کلام ہے ہاں فیورٹ کلام ہے ایک چھوٹی سی میں وضاحت کر دوں اس کے اندر ایک شعر آیا کہ رب طالب ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہیں درست ہے لیکن ظاہر ہے لکھنے والے نے بھی اور آمنہ نے بھی اسی ارادے سے پڑھا اور میں بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی وضاحت کر دوں طالب سے یہاں مراد وہ نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی طلب ہے کیونکہ اللہ پاک کی ذات طلب سے پاک ہے تو اس سے مراد ہے کہ محب ہے اللہ پاک اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ایسا نازک ہے کہ وہاں لفظوں کی یا اعراب کی لغزش بھی انسان کو دائروں سے باہر رکھ دیتی ہے تو اس لیے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ نہ شاعر کا ظاہر ہے کوئی ایسا ارادہ اور نہ ہی ہم پڑھنے والوں کا یہ بالکل اپنے محبوب کے چاہنے والے ہیں جی اپنے محبوب کو چاہنے والے ہیں اور ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہم طالب ہوتے ہیں چونکہ ظاہر ہمارے یہاں ایک معروف لفظ ہے تو اس لیے میں نے کہا کسی وضاحت بڑی ضروری ہے جی ناظرین ابھی آپ کو ایک ہم چھوٹا سا کلپ بھی دکھائیں گے لیکن ایک بات میں شروع میں کہی تھی کہ آج کا پروگرام بڑا خاص ہے اور کس نسبت سے خاص ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ کلپ کے بعد آپ کو بتاؤں اس کی ریزن یہ ہے کہ کلپ ہے جب ہم نے ابھی وزٹ کیا تھا الحمدللہ بغداد شریف کا اور اس کے بعد ہم کربلا شریف میں گئے اور کربلا شریف میں پھر ہمیں موقع ملا نہر فرات پر جانے کا تو وہ دکھانے کا مقصد یہ حالانکہ یہ کوئی وہ ایام نہیں ہے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ اتنے قریب میں یہ نہر ہے فرات کے میدان سے اور دو اس کے پہلے بڑے نمایاں ہیں ایک تو اس نہر کے بہتی ہوئے پانیوں کو جو یزیدی ملون فوجوں کے گھوڑوں کے لیے کھلا ہوا تھا پانی لیکن اللہ کے نبی کے گھرانے پر اس کو بند کیا گیا تو بڑا ایک ہولناک منظر ہے اور کربلا کے جو بڑے دو حوالے ہیں ایک لہو کا ہے اور خون کا ہے جو اللہ کے نبی کے گھرانے کا وہاں پر بہا اور اس فرات کے پانیوں کا ہے کہ جس کو اللہ کے نبی کے گھرانے پر بند کیا گیا اور پھر سیدنا عباس جب یہاں آتے اور پانی لے کر جاتے اور خیم تو کیا یہ فرات کیسا حوالہ اور منظر ہے کہ جس کو بلایا نہیں جا سکتا تو آئیے ایک دو منٹ کا کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ کالم بھی ملیں گے اور ساتھ بتائیں گے کہ یہ پروگرام آج ہم نے کن کو کیوں ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے تو اس کلپ کے بعد دوبارہ ڈالو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہر فرات ہے اور یہ وہ نہر فرات ہے کہ جس کے ان بہتے ہوئے پانیوں کو ملون یزیدیوں نے امام علی مقام سید و شہدا امام حسین اور اللہ کے نبی کے گھرانے پر بند کیا اور جن پر بند کیا ان میں وہ چھ ماہ کا علی اصغر بھی تھا کہ جس کو امام نے ہاتھوں پر اٹھا کر یزیدی فوجوں کے سامنے لائے اور کہا کہ اس بچے کو چند قطرے پانی چاہیے اور ان چند قطرے پانی کی بجائے ایک تیر علی اصغر کے گلے میں اتار دیا گیا اور لہو کا ایک فوارا اٹھا اور امام علی اصغر شہید ہو گئے تو
आप ज़रा पानी की तरफ ले जाएंगे, मुझे दिखाने की बजाय पानी दिखाएं। तो ये अब क़यामत तक ये नहर फुरात का एक हवाला तो रहेगा, एक दर्द का हवाला, एक अलम का हवाला, एक दुख का हवाला, और करबला की नस्बत से शहादतों का हवाला। लेकिन इस पानी के साथ ये नस्बत भी जुड़ी रहेगी कि इस पानी को ये सादत न मिल सके कि इमाम के कदमों को छू सके, अली असगर के गले तक इस चंद कतरे पहुँच सके। लेकिन मलून यजीदियों के जानवरों और घोड़ों ने इस पानी को पिया, और उसकी फ़ौजों ने और दरिंदे से फ़ौजों ने और ज़ालिमों ने इसके पानियों को पिया। और यही वो फुरात है जहाँ पर सैयदना अब्बास मशकेज़े भर भर कर लाते हैं और कैमों में लेकर जाते हैं, और किसी एक हाथ में मशकेज़ा था और एक हाथ में परचम था, और सैयदना अब्बास के बाजुओं को कलम कर दिया गया। ये एक दर्द की दास्तान है। करबला का एक हवाला, उसका वो लहू है और वो खून है जो अल्लाह के नबी के घराने के अफराद का वहाँ प्रभाव, और ये एक बहता हुआ पानी है। ये दो बड़े उनवान हैं करबला की नस्बत से। वो लहू तो ज़ाहिर है आप नज़र नहीं आते, लेकिन बहता हुआ पानी नज़र आ रहा है, और इस शर्मिंदगी के साथ कि ये अल्लाह के नबी के घराने के कदमों तक न पहुँच सका। जी नाज़रीन, आपको दोबारा हम स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इराक़ के सफ़र के दौरान जो है वो भी आपको दिखाएं, और मराकश जाना हुआ, वहाँ सात गौसों की बारगाह में, साहिब दलालुल खैरात की बारगाह में, काजी अयास की बारगाह में जिन्होंने अशफा शरीफ लिखी। तो ये छोटे छोटे क्लिप इंशाल्लाह हम आपको प्रोग्राम के दौरान वक्तन फ़क्तन दिखाएंगे। अब आते हैं जी प्रोग्राम की तरफ। हमने आए आप प्रोग्राम जी बिल्कुल ज़रूर आते हैं, वापस लौटाते हैं प्रोग्राम के। और आज का प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया हुआ है ख़ास तौर पर हाजी मोहम्मद बशीर साहब को, इसलिए कि आज उनकी सालगिरह है। गो कि उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन खबर हम तक पहुंच गई, और हम ज़ाहिर है आप केक का मुतालबा तो नहीं कर सकते ना जी, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं ना। अगर वो पहले खबर करते तो हम उनको कहते जी आप स्टूडियो में हम केक भेज दें और यहाँ पर हम सामने केक रखते, तो हम केक ले आते और रखते। लेकिन मैंने और आमना ने एहतजाज किया हाजी साहब के सामने कि उनकी सालगिरह है और उन्होंने याद ही नहीं किया, तो इसलिए हमने केक नहीं लाए। ऐसे ही है ना, हम तो आज तब आपको मुबारक हो। आज का प्रोग्राम हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं। आज की जितनी नात खानी होगी ये आपकी दराजी उम्र के लिए होगी, आपकी सेहत के लिए होगी, आपके बच्चों को, और ख़ास तौर पर मैं नाम लूँगा अमजद बशीर, उमर बशीर और नाजिया हुसैन, और हमारी बहन बेटी मैमूना हुसैन। तो ये चूँकि आपके बच्चे हैं, बेटे और बेटियाँ हैं, इसके बाद तो आपके फिर पोते पोतियाँ नवासे नवासी एक सिलसिला है। अल्लाह ताला सबके लिए मुबारक करे आपका ये दिन, और आपके लिए खुशियाँ दैमी हो और दैमी आपको मुबारक हो। और आज बच्चों से भी गुजारिश करूँगा कि नाशरी पढ़नी है, आज साहब को भी मुबारकबाद दें, लेकिन मुख्तसर आज थोड़ा सा प्रोग्राम हमने बातों में गुजार लिया, तो इसलिए हल्का सा आप हमें एज देंगे कि नात थोड़ी छोटी कर लीजिए जी। तो आमना रजामंद नहीं है, तो उन्होंने बड़ी देर में कहा जी। तो चलते हैं जी पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस लाइन पर हमारे मौजूद है खतीजा। तो खतीजा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खतीजा आप सुनाइए। सबसे पहले हाजी मोहम्मद बशीर साहब को उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। जी वो खैर मुबारक कह रहे होंगे मेरे ख्याल में, यकीनन आपको। जी खतीजा आप नात शरीफ सुनाइए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरा की तस्कीवा ही रह गई, दिल वही रह गया जा वही रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। याद आते हैं हमको वो शाम ओ सहर, वो सुकून ओ दिलो जानो रूहो नज़र, ये उन्हीं का करम है उन्हीं की अता, एक कैफियत दिल नशी रह गई, दिल वही रह गया जा वही रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी
रह गई अल्लाह अल्लाह वहा का सजूदो कयाम अल्लाह अल्लाह वहा का दरूदो सलाम अल्लाह अल्लाह वहा का वो कैफे दवाम वो सलाते सकूं आखरी रह गई माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह खदीजा खूबसूरत नात पड़ी जी खदीजा ने माशाल्लाह और हम वैसे जैसे शाह साहब ने कहा हम कोशिश करें चंद अशार सुने हर सब बच्चों जी से जी कोशिश करें कि आप अपने जो अशार सुनाने लगे उसमें से एक शेर कम कर दें तो हमारा टाइम जो है वो मैनेज हो जाएगा तो एक बात खदीजा के हवाले से करना चाहता हूँ ये खदीजा हमारी बेटी ऐसी है निमरा तो खैर चूँकि एक जानी पहचानी आवाज़ है तो खदीजा ने बड़ा इम्प्रूव किया जी मैंने देखा कि और इसकी एक रीज़न है कि पिछले कुछ प्रोग्रामों से खदीजा मुसलसल आती हैं और पहली कॉल इन्हीं की तरफ से होती है तो खदीजा ने इम्प्रूव किया जी नात बिल्कुल तो क्यों ना ऐसा हो कि अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह हम खदीजा को डेडिकेट करेंगे इसलिए कि उसने अपनी नात को इम्प्रूव किया है और वो रेगुलर अब आना शुरू हुई है माशाल्लाह तो निमरा को बेशक जेलसी हो कि खदीजा को आप प्रमोट करें लेकिन हम ऐसा करेंगे ठीक है ना जी हमने बिल्कुल और ये हौसला अफजाई का तरीका है और हम ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों में और मोहब्बत और शौक पैदा होगा कि वो और अच्छे से अच्छा करें तो इंशाल्लाह बाकी बच्चों के लिए कंपटीशन है कि आप लोगों ने और भी अच्छा तैयार करना है और कोशिश करें कि एक दूसरे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करें और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो हम आपको भी डेडिकेट करेंगे जी तो अब चलते हैं निमरा के पास अस्सलाम वालेकुम निमरा वालेकुम अस्सलाम ठीक हो शाह जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और निमरा आज आप हमें क्या सुना रही हैं तीन शेर महबूबे हुदा मक्की मदनी जी जी और उससे पहले हाजी मोहम्मद बशीर साहब को सालगिरह की बहुत मुबारक हो इस दुआ के साथ के अल्लाह पाक उन्हें ढेरों खुशियां और सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए आमीन आमीन तो निमरा आपको पहले पता था या हमने बताया आपको नहीं नहीं हमें पता था पहले अच्छा तो ये मतलब सिर्फ हमें नहीं बताया गया बाकी सबको पता था कितने सारे फैंस हैं देख रहे हैं और हमें और मुझे और आमना को नहीं बताया गया बाकी सबको पता था चलें देखते हैं जी निमरा सुनाइए महबूबे हुदा मक्की मदनी सरकार का आलम क्या होगा अल्लाह भी जिससे प्यार करे उस यार का आलम क्या होगा जब चंबा चमेली की खुशबू दिल जान मुअत्तर करती है जब चंपा चमेली की खुशबू दिल जान मुअत्तर करती है फिर महजन इत्र पसीने की महकार का आलम क्या होगा अल्लाह भी जिसे प्यार करे उस यार का आलम क्या होगा मेहराब भवे गुलनार नजर पुर नूर जबी रूह जाने चमन मेहराब भवे गुलनार नजर पुर नूर जबी रूह जाने चमन जब सादगी ऐसी दिलकश है महकार का आलम क्या होगा जब सादगी ऐसी दिलकश है सिंगार का आलम क्या आलम क्या होगा माशाल्लाह 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 निमरा माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह निमरा तो खैर हमारी शाइनिंग स्टार है और
कमाल का पढ़ती है निमरत, अब सीनियर नाथ खान है क्यों हम ना? जी जी बिल्कुल, निमरत आपके लिए कुछ कहें ना आप। जी बिल्कुल निमरा, मैं ये कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है और आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, और हमेशा की तरह अच्छा पढ़ा है, हमेशा की तरह अच्छा पढ़ा है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप इससे भी अच्छा पढ़ेंगी, और अपने लिए एक टारगेट सेट कर लें कि आपने नेक्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट करना है या कोई और डिफरेंट कोई ऐसा कलाम आला हजरत की आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ें। आमना के ये मैंने देखा बच्चों में, पाकिस्तान के बच्चों में खास तौर पर, यहाँ के भी अलहमदिल्ला मसला सारा है अच्छा, बच्चे इंतखाब बहुत अच्छा करते हैं कलाम को, और ये बड़ी बात है। आजकल जो हम नात खान सुनते हैं अलहमदिल्ला, मैं तो हमेशा तारीफ करता हूँ, जो भी नात खान है हर एक की मैं तारीफ करता हूँ, हमारे आका के नात खान है ना जी, तो उसमें जो इतराज़ होते हैं मैं उनसे भी मैं कहता हूँ, मैं नहीं करता कम अज़ कम, मैं कहता हूँ सारे अच्छे हैं, सरकार की बातें करते हैं ना जी तो। लेकिन एक चीज़ है कि बहुत सारे नात खान ऐसे हैं जो कलाम के मियार पर तवज्जो नहीं देते, हमारे बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं कहता कि प्रोफेशनल नात खान है, आपको महफिलों में तो नहीं जाते, उसके बावजूद मैंने देखा कि कलाम के इंतखाब में हमेशा हमारे ये आज बशीर साहब सुन रहे होंगे, ये मैं आज साहब आपके लिए मिलाना चाहता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के बच्चे जितने बच्चे हैं उनके ये क्रेडिट जाता है कि वो कलाम के इंतखाब में टॉप पे हैं माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल माशाल्लाह, और कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो जिससे आम पब्लिक जो वो रिलेट कर सकती है, लेकिन कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो बुजुर्गाने दीन के बहुत, जैसे आला हजरत के आप कलाम पढ़े तो आपको पर्सनली तौर पर भी उन कलामों से बहुत बरकत और बहुत फैज़ मिलता है। तो कोशिश करें कि यह कि आप बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट कलाम्स पढ़ते हैं मदीने पाक के हवाले से, कई कलाम ऐसे होते हैं जिसमें हुजूर पाक की तारीफ होती है, लेकिन अगर आप बीच में आला हजरत का कलाम कभी पढ़ लें तो उनसे काफ़ी बरकत भी मिलती है, और अल्लाह ताला मजीद में वो आपके पढ़ने में और आपकी आवाज़ में मजीद जब वो तासीर पैदा करते हैं। तो ऑल द रियली गुड निमरा वंस अगेन एंड कीप इट अप, माशाल्लाह, थैंक यू। चलते हैं फिर, अभी पाकिस्तान भी रहना होगा, ये यूके वाले बच्चे बहुत नाराज होते हैं मुझे पता है, लेकिन वो हमारे मेहमान हैं ना यहाँ रहते हुए, तो निश्वा के पास चलते हैं। निश्वा अस्सलाम वालेकुम। ये वो तो मेज़बान है। वालेकुम अस्सलाम। निश्वा आप सुनाइए मेरे बेटा। दिलों की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही के सी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब हुल, क्योंकि मेरे लिए मेरे आका बात की हुई है, ने बात की हुई है मेरे लिए, मेरे आका ने बात की है, ने बात की हुई है, मैं बस हाजरी हुई है तो हाजरी, क्या बात है, मिला है तो हाजरी हुई है, कहीं से मिला तो हाजरी हुई है, तो हाजरी हुई है, मुझे यकीन है कि वो मैं कह सकूं गाजियारत अभी अभी हुई है, मैं कह सकूं गाजियारत
अभी अभी हुई है। ए फरिश्तों मेरे आमाल तो लो ठहरो मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह निमरा बहुत शुक्रिया, निमरा बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। ये इफ्तिखार आरिफ का कलाम है और सच्ची बात है मैं तो दीवाना हूँ इस कलाम का, बहुत ही खूबसूरत है। ये सारे उठाए हुए जा रहा हूँ मैं जाने पे खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, तो बड़ा कमाल का कलाम है। इंशाल्लाह किस दिन हमने आपसे सुनना है, इसको तैयार करें, यूट्यूब से भी देखें इसको। तो चलते हैं, अब आते हैं जी वापस यूके में और सबसे पहले चलेंगे ल्यूटन जी हलीमा के पास। हलीमा, हलीमा से जरा बात करें आप जी। अस्सलाम वालेकुम हलीमा। Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Halima? I'm fine, alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah, great. And what would you like to read today? Shahi Medina. Shahi Medina, one of the very famous nasheed. And please go ahead. Shahi Medina, Shahi Medina. तैबक वाली सर नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना जलवे सारे तेरी दम से, आबाद आलम तेरी दम से, आबाद आलम तेरी दम से। बाकी हर एक शे नक्शे हयाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता दुनिया तिहाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाली, तारीकियों में शम्मा जलाली। शाहे मदीना माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह हलीमा, माशाल्लाह खूबसूरत पढ़ा जी हलीमा ने माशाल्लाह। बिल्कुल जी। और आप ये बताएं कि आप लोग कल जी क्या जी माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ा हलीमा, और कीप इट अप। और उसके अलावा आप लोग ये भी बताया करें कि आप लोगों के फेवरेट्स कलाम कौन कौन से हैं, थोड़ा सा कलामों के हवाले से भी बात, बच्चों से बात भी करनी चाहिए ना शाह साहब। जी जी जरूर करनी चाहिए। और माशाल्लाह कुछ इसको चेंज करेंगे पैटर्न को थोड़ा बहुत, ज्यादा तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ करना चाहिए थोड़ा बहुत, इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। हम कोशिश किया करेंगे कि आपको नेक्स्ट टाइम फीडबैक भी दें कि आप कोई कलाम पढ़ रहे हैं तो कैसा पढ़ रहे हैं। और माशाल्लाह सारे बच्चे ही बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है कि अगर आप लोगों को थोड़ी थोड़ी फीडबैक मिले तो आप उसमें मजीद इंप्रूव भी कर सकते हैं। और अगर आप इमेजिन करें कि अगर आप इन चीजों में इसी कलाम और पढ़ने में और इम्प्रूव करें तो कितना खूबसूरत और भी हो जाएगा। तो कीप इट अप। एंड डू यू हैव एनी नेक्स्ट कॉलर जी? अभी चलते हैं सारा के पास डंडी में, तो सारा से जरा बात करें आप जी। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम नवाजी, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, एंड हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम सारा बेटा, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। शाह साहब मैंने आपको ये कहना था किसी दिन हमें सारा को स्टूडियो में बुलाना चाहिए। ये आई हैं स्टूडियो में, तो आई हैं ना ये हमारे प्रोग्राम में आई हैं। हां एक मौके पर आप नहीं थी तो सारा हमसे मिल चुकी हैं, हमने देखी है बिल्कुल ये ऐसी हैं जैसे मेरी पेंसिल है जी छोटी सी। अच्छा तो सारा से सुने नाज शरीफ। यस सारा, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू रीड टुडे?
Today I'm going to be reading Ik Khwab Sunawa, but before that I have a little message to say. Hamare har dil aziz Uncle Bashir saab ko salgirah mubarak ho. Simple but very true, we all love you. May Allah give you a long life. Ameen, summa ameen. Ameen, ameen, mashallah, mashallah. Ji, aap padhiye sara. Ya Nabi Salam alayka, Ya Rasul Salam alayka, Ya Nabi Salam alayka, Ya Rasul Salam alayka. Salawatul alayka ya rasul salam alayka ya nabi salam alayka ya habib salam alayka ek khwab sunawa ek khwab sunawa ek khwab sunawa pur noor fizawa aaka da mohalla jive arsh mualla kadi aan farishte kadi jaan farishte saade azlo jud gaye aaka naal rishte ओ करमा वाला वेड़ा पलकान ले चुमदा जावा एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा रब ले गया मैनू जद शेर मदीने एक हाजी लाया मैनू कुट के सीने कदी पीवा जम जम कदी पढ़ा नमाज़ा मेरी पहुंच जिथो तक मैं दया नयाज़ा रब सोने पल विच सुनिया मेरी दिल दिया सब दुआवा एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा आका दा वेरा पलका दी डाड़ी दिल करी गुजारा उठे उम्र में साड़ी काबे दे चकरे मैं पज पज के मैं हजरे असवद जो मैं आरज रज के मेरे सिर तेरे बने कीतिया रहमत दिया ठंडिया छावा एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा माशाल्लाह 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 सारा सारा तो खैर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एज ऑलवेज और लेकिन एक बात मैं आपको काटूंगा और इसलिए करूंगा कि सारा आपने बहुत कलाम पढ़े बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं और कोई शक वाली बात नहीं आज दूसरी बहुत खूबसूरत पढ़ा दूसरी बहुत खूबसूरत पढ़ा और मैं सारा आपसे कहूंगा कि अगले प्रोग्राम में आपने इसी दुरुशरीफ को सिर्फ पढ़ना है ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी नात है ये वो नात है दुरुशरीफ जो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद जो नात कही है वो दुरुशरीफ है बाकी तो आपकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल कुरान में मौजूद हैं और अल्लाह पाक का कलाम है लेकिन दुरुशरीफ आका करीम सल्लम की खास नात है जो खुद रब कुद्दूस ने पढ़ी है तो सारा से कहूँगा ठीक है ना जी अगली दफा आपने यही दुरुशरीफ में सुनाना है लेकिन ज्यादा सुनाना है और इससे आगे बेशक नात का हिस्सा आप उसमें नहीं सुनाएंगी इसी को ही हम नात के तौर पर इंशाल्लाह आपसे सुनेंगे बिल्कुल और तो, जब ये दुरूद पाक पढ़ी थी तो मदीने पाक के जो वो जी, जो जी, एक जी, सीन थी वो आप टीवी पर देख रहे थे लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर आप आंखें बंद कर लें और इस दुरूद पाक को सुने तो शाह साहब आपके तसव्वुर में मदीने पाक की हाजिरी तो ये हमारा जो कंट्रोल रूम है उनको भी क्रेडिट में दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे उस दौरान हमें विजुअल दिखाए और दुरुशरीफ पढ़ती हुई जब सरकार का रोज़ा मुबारक नजर आया तो वाकई एक खास कैफियत की बात थी और ये क्रेडिट जो है हमारे कंट्रोल रूम में जाते हैं माशाल्लाह सबको अल्लाह पाक सबको इसका सवाब अता करे तो चलते हैं जी लंदन तो वहाँ हमारी बेटी सफ़िया इस वक्त मौजूद है पिछले प्रोग्राम में हमने उनसे हम खाली ने एक शेर सुन सके थे या बिल्कुल नहीं सुना तो आज सफ़िया को मौका देते हैं कि वह नात शरीफ पढ़ें जी सफ़िया से बात करें बिल्कुल सफ़िया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बाजी आमना हाउ आर यू Alhamdulillah, I'm not too bad. What about yourself? I'm good, thank you. And how's your day been?
My day's been good. And what would you like to read today? Today I just want to do a very, very, very small speech. A small nasheed? A small speech. Oh, small speech. Okay, yes. Yeah. Go ahead. Okay. It's not many times in life that we've come across a tough, influential person who leaves a great and powerful impact on our lives. When you hear the word role model, who do you think of? I think of my Nana Bo. He cannot be compared to anybody else because he is completely one of a kind. His selflessness, willingness to give to charity, and huge heart has led to many successes in his life, like starting this program. Along the course of it, so many different children have been given the gift of being able to read about and praise our beloved Prophet, none of which could have happened if he did not create Shami Arafa. Inshallah, we have many years to come together, and I would like to wish him a very happy birthday. Mashallah, that was really sweet from yourself, and it was a message to our uncle Bashir Saab, because he is a grandfather. हाँ नहीं है इमरा अच्छा चले सकीना है चले तो, इमरा को मैसेज चला गया इमरा चला गया कि वो भी आए देख रहे हैं कोई भी उनकी फैमिली से देख रहा है तो कॉल अस एज सून एज पॉसिबल माशाल्लाह तो सकीना की तरफ चलते हैं जी लंदन में जी आप सकीना से बात कीजिए जी सकीना अस्सलाम वालेकुम सकीना Assalamu alaikum. Salam bachi amna how are you Alhamdulillah I'm great welcome to the program Shami Arfa how are you I'm good thank you What would you like to read today? Before I read, I would like to wish my Nana Bo a very happy birthday and may Allah give him a long life. Ameen, ameen. And today I'll be reading John Terrier as that's my Nana Bo's favorite one. Jani Jariya Meena Di Lalida Jaini chariya meena di lalda Rab aakhiya suniya mehbooba Das ke hujya tainu bana banaye Rab aakhiya suniya mehbooba Das ke hujya tainu bana banaye Maizi nali banaye me nabi sari Tainu puche aap se ja binaye Mehbooba khia eho jya bina mola Meri jaan jahana di jaan hove Jado main bola odo tu boli Kadi main bola kadi tu boli Jado main bola odo tu boli Sagi do vadi ko zuban hove Aisa chan chariya Meena di lalda Chan chariya Ji, galban call drop hui hai Achha, call drop hui hai skina ki हमने नहीं की इसकी ना अभी तो आपने नात को स्टार्ट ही किया था हम चाह रहे थे कि आपसे पूरी ना सुने कॉल अगर जल्दी मिल जाए तो शायद एक दो मिनट है हमारे पास और उसके बाद आखिर में हमने दुआ भी करनी है तो जी बिल्कुल कोशिश करते हैं कि ग्राम सकीना से दोबारा कॉल ले लेते हैं और जी हाजी साहब के लिए ये कहना चाहूँगी बहुत ही खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने आपको आपकी ज़िंदगी में आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनकी तरफ से इतना अच्छा पढ़ते भी हैं और अपने नाना के साथ जो मोहब्बत है वो इतने बर्थडे और मैसेजेस के ज़रिए से वो अपनी मोहब्बत का जो है वो इजहार भी कर रहे हैं और सबसे बड़ा ये है थोड़ा ऐड करना चाहूँगा ये सबके लिए एक खूबसूरत मैसेज है कि अगर आप लोगों की फैमिली है तो अपनी फैमिलीज को यूनाइट करें और अगर आपकी चिल्ड्रन है और उनके आगे से बचें तो आप ऐसा रिलेशनशिप कायम करें अपनी फैमिली से साथ कि जो आपके आपकी जो रिलेशनशिप है आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वो एक बहुत ही स्ट्रांग होनी और चाहिए सबसे बढ़कर ये है कि अभी जिस तरह इन बच्चों ने भी जो उनके अपने खानदान के बच्चे और दूसरे बच्चों ने भी हम भी अगर उनके साथ
आज सबके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो उनकी दीनदारी की वजह से और उनकी चैरिटी की खिदमत की वजह से, खिदमत यानी खिदमत खल की वजह से, और अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनकी नात की निस्बत से मोहब्बत है। बाकी तल्लुकात इंसान के दुनियादारी के होते हैं, हमारे वो बहुत अच्छे दोस्त होंगे, मेहरबान होंगे, सब कुछ, लेकिन उनके साथ हमारा रिश्ता सिर्फ एक ही रिश्ता है और अल्लाह के नबी की याद का है, चाहे वो खिदमत खल की सूरत में हो, चाहे वो शाम अरफा की सूरत में हो। तो सकीना लाइन पर है, सकीना जरा ना सिर्फ क्योंकि ये हाज साहब की पसंदीदा नात है, तो ये मेरे ख्याल में डेडिकेट कर रही है अपने नाना अबू को। जी अस्सलाम वालेकुम सकीना। वालेकुम सलाम शाह साहब जी, यू कैन कंटिन्यू सकीना। क्या नी क्या रे आ मीना दी लाल दा, क्या नी क्या रे आ मीना दी लाल दा, बगार आई दफवतन सजी जमीर जमी के अंजुमा पवन चली सनन सन बजे वो तप जनन जनन चमन चमन दमन दमन सबा पुकार दी चली, ऐसा चन चरिया मीना दी लाल दा, चन चरिया मीना दी लाल दा। और जिन्होंने इस चांद को देखा उन्होंने देखती साथ ही कहा, मुख चंद बदर शाशानी मत चमक दिलाट नूरानी, मुख चंद बदर शाशानी मत चमक दिलाट नूरानी, काली जुल्फ़ते अख मस्तानी महमूर आखी हिन मदबरिया, इस सूरत नु मैं जाना का जाना सद जाने जहाना का, सच आका तेरा बिजे में शाना का, जिस शान तो शाना सब बनिया, लोह मुख तो मुहादत बुर नयमन मन भावरी चल के विखाओ सजन, ओह मिठियाद गाली अलाओ सजन जीरी हमरा वादी सन करिया जद परिया सी, सुबहान अल्लाह मा आज मला का मा आहसना का मा अकमला का, कित महरी अली कित तेरी सना, कित महरी अली कित तेरी सना, गुस्ताख अखी कित जा अरिया, ऐसा चन चरिया मीना दे लाल दा, चन चरिया कमाल का पढ़ा है जी माशाल्लाह। तो सिर्फ दो शेर अरफाना कलाम के आमना सुनाएगी और एक मिनट होगा उसके बाद हम दुआ कर लेंगे जी। बिल्कुल, दो अशार, और ये जो दो अशार हैं ये हमारे अंकल हाजी बशीर साहब के फेवरेट अशार हैं कलाम बाहू, तो इसके अशार पेश करती हूँ। तो जी पढ़ने से पहले बशीर भाई हैप्पी बर्थडे, और हम अपने केक का इंतजार कर रहे हैं, मैं और शाह साहब मुंतजर हैं केक के भी। तो इंशाल्लाह ये चंद अशआर कलाम बाहू के जो के हाजी बशीर साहब के बहुत फेवरेट हैं। ना रब अर्श मौला ना रब खाने काबे हो, ना रब इल्म किताबी लबा, ना रब विच मेहराबे हो, गंगा तीरथ मोल न मिलिया, गंगा तीरथ मोल न मिलिया, पैंड बेहिसाब बेहु जजदा मुर्शद मिलिया बाबू, जजदा मुर्शद मिलिया छोटे सब अज़ाब हो। माशाल्लाह माशाल्लाह,
सुल्तानुल्लाह अरविंद सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह तआला के मुर्शिद भारत में, उनका नाम इसमें ग्रामी है सैयद अब्दुल रहमान शहनशाह विलायत हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह। लेकिन रूहानी तौर पर और फयूज़ और बरकत के अतबार से जो आपके मुर्शिद हैं और जिनकी आप नुमाइंदगी करते हैं बरसीर पाक में, वह सैयदना गौसे आज़म हैं। तो ये शेर भी मुर्शिद की नस्बत जब आप कहते हैं, ये मुर्शिद के हवाले से जब भी बात कर रहे थे सुल्तानुल्लाह अरविंद सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो वो हज़रत गौस पाक को अपने मुर्शिद के तौर पर ले रहे थे। सुभान अल्लाह, दुआ कर लेते हैं जी इस प्रोग्राम के आखिर में। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिद अल-अंबियाए वल मुरसलीन। या अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम अरफा की इस नशिस्त में सूरह यासीन शरीफ ख़त्म हुआ और फिर नात शरीफ पढ़ी गई। या अल्लाह पाक, तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा, और इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं आपके वसीले से, तमाम बिया की बारगाह में, तमाम मोमिनीन मोमिनात की बारगाह में। या अल्लाह पाक, इसे कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक, हमारी इस बज़्म को अपनी प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के नतीजे में और रज़ा की बरकत से कायम और दायम फरमा, और इससे जुड़े हुए तमाम लोगों को या अल्लाह पाक खैर और बरकत अता फरमा। खुसूसन हमारे जो बच्चे हैं इस महफिल का हिस्सा, उनको और उनके पेरेंट्स को, उनके घरों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आबाद फरमा। या अल्लाह पाक, खुसूसी करम फरमा, और आज की सूरह यासीन शरीफ की बरकत और आज की नात खान की बरकत से हमारी बहन नुसरत बशीर साहिबा की वालदा माजदा का इंतकाल हुआ हाल ही में, या अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमा और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफात अता फरमा। हाजी मोहम्मद बशीर साहब, जिस प्रोग्राम के मुआविन भी हैं और खिदमत खल्क और खिदमत दीन के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ़ किया हुआ है, या अल्लाह पाक उनको बरकतें और रहमतें अता फरमा, उनके तमाम अहले खाने को बरकतें अता फरमा, और आज चूँकि उनकी सालगिरह है, या अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र अता फरमा और अपने ख़ानदान पर उनका साया कायम और दायम फरमा। वसल्लल्लाहु तआला खैर खल्की मुहम्मद व आलिहि व असहाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इजाज़त दीजिएगा, फ़ी अमानिल्लाहिल करीम, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।